लव है जो हम लोग करते हैं, लव ये हम लोगों ने खुद से बनाया है, तो हम लोग ये मौका को तो छोड़ेंगे नहीं, ये मौका का हम लोग पूरा फायदा उठाएंगे और मौके पे चौका लगाएंगे। आप सभी धोनी के शहर से हैं, रांची से, जैसे धोनी धोते हैं वैसे ही आपने धो दिया है। खुद ही को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। जी हाँ, ये शायरी जो आपने सुना है, ये शायरी इस वक्त जो हमारे साथ इर्द गिर्द जो बैठे हुए हैं, इन सभी के लिए ही हमारे ख्याल से लगता है बना होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खुद के दम पर अगर कोई इंसान आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से उसने कितनी कठिनाइयों को झेला होता है वह खुद ही जानता है। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में बैठे हुए हैं इंडियाज गॉट टैलेंट के, हम कह सकते हैं कि अभी एक फर्स्ट एक पड़ाव इन्होंने पार किया है और आगे लंबी कह सकते हैं एक दूरी तय इन्हें करना है। हालांकि वोटिंग का वक्त खत्म हो चुका है और जितने भी मतदान इन्हें मिले हैं उन्हीं से अब ये आगे का रास्ता तय करेंगे। हम खुद इनसे बातचीत करेंगे। एक सो हुपा हुल होता है जिन्होंने खुद से इन्होंने तैयार किया और खुद से बनाकर वहां तक मुंबई में अपना शो दिया है, जिसमें कि बादशाह शिल्पा शेट्टी जो जजिंग कर रहे थे, मनोज और किरण खेर उस शो की जजिंग कर रही थी, और क्या कुछ कहना है, कैसा अनुभव रहा है, इन सब चीजों पर बातचीत करेंगे। चूंकि ये झारखंड के बेटे हैं, झारखंड की बेटी है, और इन्हीं से बातचीत करते हैं कि कैसे पढ़ाई के साथ साथ खुद काम करने के साथ साथ अपना ये जो आप कह सकते हैं ये सपने जो इन्होंने देखा है, इस सपने को साकार करने के लिए अपने घर से निकल पड़े हैं। सबसे पहले सृष्टि से बातचीत करेंगे और फिर जो हमारे साथ है सभी से परिचय लेंगे। सृष्टि, आप सिलाई मशीन का काम करते हैं, उसके साथ साथ आपने कब ऐसा लगा आपको कि हम ये कर सकते हैं, कहाँ से ये ख्याल आया, और ये सफर जो वहां तक मुंबई की जो आपने जिंदगी देखी, वहां जो तक सफर तय किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इन सभी चीजों को लेकर? स्टार्टिंग में जब हम लोग ग्रुप बना डांस किए, तो मतलब कि साथ में जब हम लोग स्ट्रगल हम लोग का जब स्टार्ट हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम लोग ग्रुप जब बना हम लोग का, तो उस टाइम हम लोग को एक मतलब कि उस टाइम हम लोग को एक जगह मिला हुआ था, मतलब जो संस्था में हम लोग जहाँ मिले, लेकिन फिर वहाँ से निकलने के बाद हम लोग का मेन लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम्स आया। वहाँ से हम लोग सब प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए जब आगे बढ़े, तो ऐसा लगा मतलब कि उस टाइम हम जैसे कि हम लोग का घर का जो परिस्थिति है वो ठीक नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, तो घर से फाइनेंशियल सपोर्ट किसी को नहीं मिल पाता है। तो अब डांस में आगे जैसे कॉम्पिटिशन्स के लिए जाना पड़ता था, और यहाँ रांची में मतलब कि हमारे सिटी में वैसे कॉम्पिटिशन्स नहीं होते, तो हमें चाहिए था कि अगर हम लोग को आगे बढ़ना है तो हम लोग को इस सिटी से बाहर निकलना पड़ेगा। तो फिर जब हम लोग कॉम्पिटिशन्स के लिए जाते थे तो ऐसा था कि हम लोग के पास मतलब बहुत मतलब पैसे ही नहीं होते थे, बहुत मुश्किल से हम लोग मतलब जुगाड़ करके मतलब हम लोग जाते थे। तो ऐसा हुआ कि हम लोगों ने सोचा कि अगर हम लोग को मतलब कि आगे और बढ़ना है तो हम लोगों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जिससे कि हम लोग खुद जो हम लोग का नीड्स है वो पूरी हो सके। इसी तरह हम लोगों ने कुछ कुछ काम किया अपने हिसाब से। तो मैंने सिलाई का काम किया, मास्क बनाती हूँ घर में, बुटीक में भी जाती हूँ, वहाँ वेडिंग का सामान सब होता है, फ्लावर होता है, वो सब बनाती हूँ, और इस तरीके से जो पैसे आते हैं वो हम लोग खुद का जरूरतों को पूरा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, कैसा सफर अब तक का रहा है, और क्या कुछ जो आपने अनुभव आप कह सकते हैं कि आप हमारे दर्शकों को साझा करना चाहेंगे, कितनी कठिनाइयों से अब तक का सफर रहा है? मैं बताना चाहता हूँ कि जो हम लोगों ने पहले पूरा परिचय अपना। अच्छा जी, मेरा नाम अंकित डुंगडुंग है और मैं नामकुम लोहाड़ी का रहने वाला हूँ। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि सबके लाइफ में प्रॉब्लम बहुत ज़रूरी है, अगर प्रॉब्लम नहीं होगा तो वो ज़िंदगी जीने का मज़ा भी नहीं आएगा। तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि जब हम लाइफ जी रहे हैं तो लाइफ में प्रॉब्लम फेस करना होता है, तो अगर आप प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे तो आप उसको आगे नहीं बढ़ पाओगे, और अगर आप प्रॉब्लम को लेके ही बैठ जाओगे तो आप केवल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी नहीं निकाल पाओगे और खुद अपने आप को आगे भी बढ़ा नहीं पाओगे और किसी को मोटिवेट भी नहीं कर पाओगे।
तो हम लोगों का एक्सपीरियंस और मेरा खासकर यही रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी प्रॉब्लम आ जाए, आप खुद पे एक भरोसा रखिए और जो भी हो सके, जैसा भी काम हो, आपको भले वो काम छोटा लगता हो या फिर कोई काम बड़ा लगता हो, बट उसको आपको करना होगा, क्योंकि हमारा यही मानना है कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मैं वो जो रिंग आप लोगों ने तैयार किया है, वो रिंग कैसे तैयार किया, कैसे ख्याल आया, और कितने दिनों का वो जो प्रैक्टिस आप लोगों ने किया, जो जो शो के दौरान दिख रहा है सेनोरिटा गाने में, वो कैसे आप लोगों ने प्रैक्टिस किया, क्या कोई गुरु से या खुद से किया आप लोगों ने? पूरा स्टेप जो आप लोगों ने बैठाया, कोरियोग्राफ किनका? सबसे पहले तो वो जो पाइप हम लोगों के पास है जिससे हम लोगों ने हुलॉक बनाया है जी, वो एक्चुअली जो राजू है जी, उसके पापा मिस्त्री हैं जी, तो वो मिस्त्री का काम करते हैं, तो उनके पास कुछ पाइप्स ऐसे थे जो बचे हुए थे जिनका यूज नहीं हुआ था, तो हम लोगों ने सोचा एक इसको एक सर्कल की तरह बना के क्यों ना हम इसे यूज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने वो पाइप लिया और एक कनेक्टर होता है जो दुकान पे इजीली अवेलेबल है, तो उसको हम लोगों ने परचेस किया, उसके बाद फिर हम लोगों ने उसको कनेक्ट कर दिया, तो एक वो एक सर्कल बन गया, तो तभी हम लोगों ने उसे यूज करना स्टार्ट किया, तो वो काफी हेवी था और जो ओरिजिनल हुलॉक होता है वो काफी लाइट होता है, तो वो काफी हेवी था, तो हम लोगों को प्रैक्टिस करने में बहुत दिक्कतें आई। हम लोगों ने 5 साल मेहनत किया उस पाइप से और उससे हम लोगों ने एक हैबिट बना लिया। 5 सालों से आप प्रैक्टिस कर रहे थे? यस सर, 5 सालों से हम लोगों ने प्रैक्टिस किया, उस पर वर्क किया, हम लोगों ने एक कोरियोग्राफी उठाया। सबसे पहले बाबूजी है, बाबूजी जरा धीरे चलो, इस सॉन्ग पे हम लोगों ने एक कोरियोग्राफी उठाया जो कि हम लोग सबको ही कोरियोग्राफ करते हैं, सब क्योंकि सबों का थिंकिंग अलग अलग है, तो सभी को एक एक स्टेप बताते हैं और उसे हम लोग कनेक्ट करके एक कोरियोग्राफी बनाते हैं। तो जो बाबूजी हम लोगों ने तैयार किया, उससे हम लोगों को पब्लिक में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। झारखंड में हम लोगों ने कंपटीशन किया बाबूजी को लेकर, तो हम लोगों का एक प्लस पॉइंट यही रहा कि आप लोग यूनिक हो, आप लोग जब डांस करते हो तो नजर नहीं हटती है, आप लोग इस हुलॉक को छोड़ना मत, क्योंकि यही है आप लोगों का प्लस पॉइंट। तो हमें ऐसा ऐसा कमेंट मिला, तो हम लोगों को लगा कि अब आगे हम लोगों को और अच्छा करना है, तो हम लोग अपने आप को डेवलप करने के लिए फिर हम लोगों ने न्यू कोरियोग्राफी स्टार्ट किया, फिर उस पर वर्क किया, कितने बार हम लोगों ने वो कोरियोग्राफी को चेंज किया, सेनोरिटा को कितना बार हम लोगों ने ड्रॉप किया, फिर जाके उसको फिर न्यू कोरियोग्राफी बैठाया, ऐसा करते करते हम लोगों ने एक प्रॉपर सेट कर लिया, एक हेवी रूटीन। तो इस रूटीन के दौरान आप काम भी कुछ करते हैं? हाँ, ये रूटीन के दौरान हम लोग मैं बच्चों को डांस सिखाता हूँ क्लासेस पे, और उससे जो इनकम होता है उससे हम लोग अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं, या फिर क्लासेस वगैरह मतलब कि रेंट पे करना होता है तो उससे हम लोग रेंट पे करते हैं, और जो हमारे दूसरे भाई बहन लोग हैं वो लोग भी सिलाई का काम करती है, एक डाटा एंट्री का काम करता है, एक पेपर बांटता है और एक समोसे के ठेले पे काम करता है, तो हम लोग से जितना हो पाता है हम लोग अपने क्लासेस को दे देते हैं और जो बचता है वो हम लोग अपने ऊपर खर्च करते हैं। हमारे साथ राजू है। राजू, आपके पिताजी के जो मिस्त्री का वो कंसेप्ट था वो कहीं ना कहीं काम आया, और कैसे ख्याल आया कि ये करना चाहिए? डांस से लगाव था और फिर ये हुला हुप आया, कैसे किया आप लोगों ने? मेरा नाम है राजू तिर्की और मैं डिप्सोरी में रहता हूँ। मतलब मेरे पापा मिस्त्री हैं, तो वो नहीं मतलब काम करते थे घरों में, तो वो पाइप बचा हुआ था, तो मैं पापा मेरे लाए और मैंने देखा कि वो पाइप है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मतलब उससे मतलब एक रिंग बनाया जाए हुलॉक। तो मैंने दोस्तों को बोला कि मेरे पापा लाए हैं हुलॉक मतलब पाइप, तो उससे क्यों ना मतलब रिंग बनाया जाए, तो हम लोगों ने मतलब डिसाइड किया, फिर हम लोग मिले, फिर हम लोग कैसे बनाए उसको सोच रहे थे हम लोग, फिर हम लोग यूट्यूब देखे कि कैसे बनाया जाता है, फिर हम लोगों ने उसको फिर हम लोग दुकानों में एक कनेक्टर होता है उसे कनेक्टर से हम लोग खरीदे और उसको जोड़े, तो वो हुलॉक बन गया, तो उसे हम लोग प्रैक्टिस करने लगे, 5 साल हम लोग प्रैक्टिस किए, तब जाके हम लोग को मतलब कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और
अब जाके हम लोग इंटरनेट मतलब अब टीवी शो हम लोग कर रहे हैं ताकि मतलब हम लोग को नाम मिल रहा है, काम मिल रहा है, बहुत लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और काम इस दौरान कैसे आपने मैनेज किया, पैसे से आप शायद मतलब मुझे घर से मतलब सुबह सुबह बांटना होता है तो कैसे मैनेज करते हैं आप काम? तो मुझे मतलब घर से पैसा नहीं मिलते थे क्योंकि मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मतलब काम किया जाए छोटा मोटा ही। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मतलब पेपर का काम किया जाए, क्योंकि मॉर्निंग 4 बजे पेपर उठाता हूँ मैं और उसके बाद 5 बजे तक 6 बजे तक मैं बांट लेता हूँ। तो इससे मतलब मेरी काम भी हो जाती है और पैसे भी हो जाती है और मेरी प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो मतलब इससे मतलब अच्छा मौका मिला कि मतलब पैसे भी कमा लूँ और डांस भी कर लूँ। मयंक से बात करेंगे। मयंक डाटा एंट्री का काम करते हैं, कितने घंटे का जॉब करना होता है उसके बावजूद डांस में भी समय देना कैसे मैनेज हो पाता है और कैसे ख्याल आया और कैसे अब तक का अनुभव कैसा रहा? मेरा नाम मयंक भीमसर टुक्को है और मैं लालपुर रांची से हूँ। जब हमारा ग्रुप बना अभी हम लोग लगभग 6 साल से एक साथ में डांस कर रहे हैं और हम लोग के पास उस समय से हम लोग एक साथ में परफॉर्म प्रैक्टिस करते हैं। तो हम लोग लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आई कि हम लोग के बिल्कुल राजू के पास ऐसा था कि वो पेपर बांटता है, अंकित था जो बच्चों को डांस सिखाता है, सिर्फ मार्क्स बनाते हैं और डेटा एंट्री को जॉब भी करना होता है क्योंकि फैमिली का सपोर्ट भी नहीं था हमारे पास और घर वाले सपोर्ट भी नहीं करते थे और पैसे भी नहीं मिलते थे मुझे हमें। तो खुद से करना ये तो हमारे लिए जरूरी था कि डांसिंग को भी करना है और फैमिली को भी कुछ पैसे देने पड़ते थे तो हम लोग के लिए काफ़ी जिम्मेवारी की काम थे कि डांसिंग के लिए मना भी हो रहा था और पैसे फैमिली को भी देना था। तो हम लोग क्या करते हैं कि मैं जेट एंट्री को जॉब करता हूँ, मेरी जॉब कम से कम 8 से 10 घंटे की जॉब होती है, वो भी नाइट में होती है। तो मैं रात में 8 से 10 घंटे जॉब करता हूँ और मॉर्निंग हमारी रिहर्सल्स होती है, रिहर्सल्स के बाद कॉलेजेस भी होती है, रिहर्सल्स जैसे ख़त्म होती है हम लोग को कॉलेजेस भी जाने पड़ते हैं। तो मैं नाइट जॉब करता हूँ, उसके बाद मॉर्निंग हम लोग 2 से 3 घंटे रिहर्सल्स करते हैं, फिर कॉलेजेस के 1-2 क्लासेस अटेंड करने के बाद फिर जाके घर पर जाकर सोते हैं। फिर रूटीन ऐसे ही था और इसी बीच में हम लोग को टाइम निकाल के जॉब्स को मेंटेन करके काम करना पड़ता था, क्योंकि हम लोग के लिए बहुत मुश्किल था कि कभी कभी ऐसा होता था कि सो भी नहीं पाता था। और ग्रुप में भी काफ़ी सारे मेंबर्स की प्रॉब्लम्स थी कि कंडीशन ख़राब थी, तो बहुत मुश्किल रहा हमारे लिए कि यहाँ तक पहुँचना, सपोर्ट नहीं मिलना और वहाँ तक पहुँचना, ये बहुत डिफिकल्ट था हमारे लिए। लेकिन हम लोग वहाँ तक पहुँचे, हम लोगों ने हार नहीं मानी, तो ये इस कैमरे का आज अच्छा लगता है कि हम लोग उसे जाते हैं। मैं आप उस कैमरे में देखें एक मैसेज क्या देना चाहेंगे दर्शकों को और क्या कुछ अब आगे का राउंड कैसे क्या होना है ये हमारे दर्शकों को? मैं आगे का मैसेज ये देना चाहता हूँ दर्शकों की कि लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन हमारे जो लक्ष्य है हमें उसे छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि आपके साथ में नहीं चलेंगी, लेकिन उससे हम लोग को डिमोटिवेट नहीं होना है, हमें अपनी छोटी छोटी चीज़ों को ही से सीखना है और उसी को ही अपनी ताकत बनानी है और हमें आगे बढ़ना है। यही मैं मोटिवेट करना चाहूँगा दर्शकों को। और हमारा आगे का लक्ष्य ये है कि अभी तो हमारा इंडिया स्कॉट टैलेंट में हम लोग सिलेक्ट हो चुके हैं, अगर टॉप 16 के लिए वोटिंग भी बंद हो चुकी है, अगर आप लोगों का प्यार रहेगा तो हम लोग को अधिक से अधिक वोट मिलकर हम लोग टॉप 16 में पहुँच सकते हैं। और अगर हम लोग सिलेक्ट नहीं भी होते तो हम लोग के लिए ये रास्ता बंद नहीं होता है, हम लोगों ने शुरुआत की है। तो अभी हम लोग अमेरिका गॉट टैलेंट या इंटरनेशनल बाहर के शो के लिए ट्राई करेंगे। हमें लाइफ में अभी भी हमारे बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम लोग उसको हार नहीं मानने वाले, अभी हम लोग अभी और भी आगे जाने का पूरी कोशिश करेंगे। तो बहुत अच्छी बात कही है कि अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं, और अभी तो शुरुआत है और कह सकते हैं कि आवश्यकता जो होती है वो आविष्कार की जननी होती है और निश्चित रूप से ये सिद्ध किया है झारखंड के बेटे बेटियों ने। अंकित आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, सरकार से क्या कुछ मांग करना चाहेंगे और क्या कुछ संदेश रहेगा दर्शकों के लिए? सबसे पहला संदेश तो यही रहा है कि वो कहते हैं ना, वो जिंदगी ही क्या जिसमें खुशी ना हो, वो जिंदगी ही क्या जिसमें खुशी ना हो और वो गम ही क्या जिसमें दुख ना हो, असली जिंदगी जीने का मजा तो इसी में है जिसमें ये दोनों शामिल है। बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से जो ये 4 आप कह सकते हैं 5, एक नहीं आए हैं इस वक्त 5 की, आप MJ5 का नाम सुना होगा, वही MJ5 झारखंड के MJ5 हम कह सकते हैं,
तो एक की आज उपस्थिति नहीं है, क्या नाम है उनका? गौतम। गौतम को मैं इस शो के दौरान काफी मिस कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करूंगा कि अगले शो में गौतम जरूर हमारे साथ रहेंगे। और गौतम पेशे से समोसे के दुकान पर काम करता है और निश्चित रूप से ये जो वो डांस कर रहा है उसमें कई सारी कठिनाइयों का सामना उसे जरूर करना पड़ रहा होगा, लेकिन हम सब उनके साथ हैं। सृष्टि आप कुछ कह रही थी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे स्टेट के जितने भी मतलब लोग हैं और गवर्नर है, सब मतलब इस क्षेत्र में जितने लोग हैं उन्हें सपोर्ट करें, क्योंकि बहुत सारा ऐसा टैलेंट अभी भी हमारे राज्य में छुपा हुआ है। हम लोग तो प्रॉब्लम फेस करके आगे बढ़ गए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है और वे पीछे हट जाते हैं। तो हम चाहेंगे कि अगर आप सपोर्ट करेंगे तभी मतलब और भी लोग हमारे जैसे और भी मतलब बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वैसा मतलब कि सामान नहीं होता है, मतलब कि इक्विपमेंट्स नहीं होता है ज्यादा से ज्यादा जिसे खरीदने होते हैं, ड्रेसेस के खरीदने होते हैं। अच्छा, तो सबसे बड़ा बात इसी से जुड़ा हुआ सवाल ले लेंगे कि फैमिली सपोर्ट, फैमिली में क्या करते हैं आपके पापा? मेरी मम्मी नहीं है, 3 साल पहले उनका डेथ हो गया था। और पापा है तो वो मतलब बुजुर्ग हो गया है, तो मेरी दीदी लोग है, 3 दीदी है और 1 भैया है। तो हम लोग सभी अपना अपना खुद का पढ़ाई का खर्च निकालते हैं, हम लोग खुद ही अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। और हमारा खुद का घर नहीं है, हमें एक चर्च दिया गया है रहने के लिए, तो वो अभी कुछ ही साल के लिए, 1-2 साल में फिर हमें भी वहाँ से जाना पड़ेगा और हम लोग फिर किराए के घर में चले जाएंगे। तो देखिए कितनी बड़ी बोझ है कि चर्च में रहकर अपनी सपनों को देख रही है, और सपने बहुत बड़े हैं, सपने हैं अमेरिकाज गॉट टैलेंट में जाने का, लेकिन चर्च में रहकर प्रैक्टिस कर रही है झारखंड की बेटी, और गुहार लगा रही है सरकार से कि हम जैसे प्रतिभाशाली कई सारे ऐसे लड़के हैं लड़कियों हैं, लेकिन उन्हें तराशने की जरूरत है और मदद की जरूरत है। तो उम्मीद करेंगे कि हमारे साथ जो इस वक्त इंडियाज गॉट टैलेंट जो रियल में टैलेंट कर सकते हैं, झारखंड गॉट टैलेंट कर सकते हैं, झारखंड के MZ5 कर सकते हैं, आप जिस तरीके से नाम रोशन किया है उसी तरह से यह नाम रोशन करना चाह रहे हैं हिंदुस्तान लेवल पर, पूरे दुनिया के मंच रंगमंच पर अपनी प्रतिभा को दिखाना चाह रहे हैं। इन्हें जरूरत है, इन्हें मदद की जरूरत है, और हम उम्मीद करेंगे कि अपने इस इंटरव्यू के दौरान जो भी यह इंटरव्यू को देख रहे हैं वह ज्यादा से ज्यादा इनके मदद के लिए आगे आए, क्योंकि वोटिंग लाइंस का समय खत्म हो चुका है और अब उम्मीद है कि कब इन्हें मुंबई से कॉल आता है और कब अपनी ये नेक्स्ट जो इनका राउंड होने वाला है उस राउंड के लिए कैसे प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे तैयारियां चल रही है नेक्स्ट राउंड के लिए? नेक्स्ट राउंड के लिए हम लोगों ने मतलब एक न्यू कोरियोग्राफी सेट किया है और उसका प्रिपरेशन हम लोग बहुत मतलब की बहुत मुश्किलों से कर रहे हैं, क्योंकि अभी ऐसा है कि वहाँ से आने के बाद हम लोगों को इतने सारे कॉल्स आ रहे हैं कि आप लोग यहाँ क्लासेस लेना है, यहाँ मतलब कि प्रमोशन हो गया है। हाँ, प्रमोशन हो गया है, तो बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं कि आप लोग यहाँ आओ, यहाँ पे क्लासेस दो। तो जिसके वजह से हम लोग कहीं अगर क्लासेस देने जा भी रहे हैं तो हम लोग वो प्रैक्टिस मार खा जा रहे हैं, तो हम लोगों को अभी उस पे फोकस नहीं करना है, हम लोगों को अभी नेक्स्ट राउंड के लिए फोकस करना है। तो हम लोगों ने उसको ड्रॉप कर दिया है और अभी हम लोग एकदम अपने एम पे फोकस्ड हैं और हम लोग बहुत जोर शोर से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हम लोग और भी बेहतर शो देखने वाले हैं आने वाले दिनों में, क्या कुछ करना चाहेंगे? आगे शो में अगर हम लोग पहुंचते हैं तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि बहुत ही अनोखा टैलेंट मतलब हम दिखाएंगे, ताकि लोग मतलब अभी तक कोई देखा नहीं है उसे टैलेंट हम दिखाना चाहते हैं इंडियाज गॉट टैलेंट में। क्योंकि हमारे हमें बहुत सारे हुलॉप्स की जरूरत है और मतलब हमारे पास अपने इक्विपमेंट्स है नहीं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमें प्रोफेशनल हुलॉप मिले जिससे कि हम लोग कुछ और भी एक्ट्स रेडी कर सकते हैं, और भी एक्ट्स रेडी कर सकते हैं। तो हम लोग इस कोशिश है कि हम लोग बहुत ही अनोखा टैलेंट दिखा पाए, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि अगर हम लोग आगे जाते हैं तो बिल्कुल आप लोग देखोगे। सृष्टि आप इकलौती लड़की हैं इस ग्रुप में, कैसे मैनेज करते हैं अपने आप को प्रैक्टिस के दौरान, अपने आप को कैसे मतलब ढालते हैं, या हम कहना चाहेंगे कि और भी टफ कंपटीशन होते जाएगा तो कैसे अपने आप को और भी प्रिपरेशन करेंगे, कहां से रहने कॉन्सेप्ट लाना, कोरियोग्राफी करना, कैसे ख्याल, क्या कुछ कहना चाहेंगे?
स्टार्टिंग में जब ग्रुप में थे तो अकेले लड़की थोड़ा मुझे अजीब लगता था, मुश्किल लगता था क्योंकि उतना फ्रैंक नहीं थे किसी से, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों का में साथ में बॉन्डिंग बहुत अच्छा हो गया है और हम लोग अब एक फैमिली की तरह रहते हैं। तो वैसा कुछ भी बात हो तो हम लोग एक दूसरे को कोई भी प्रॉब्लम्स होता है हम लोग शेयर कर लेते हैं उसी बीच, मतलब प्रैक्टिस में भी मतलब हम लोग साथ में मिल के जैसे कुछ हम लोग सॉन्ग उठाए कोरियोग्राफी के लिए न्यू, तो बातें करते कि हम लोग को और क्या नया करना चाहिए कि मतलब जो लोगों को पसंद आए, मतलब लोग देखे तो लगे कि ऐसा हम लोगों ने नहीं देखा। और इसी और ऐसा ही सोच के ऐसा ही सोच लेकर हम लोगों ने जो इंडियाज़ गॉट टैलेंट पे जो परफॉर्मेंस दिया है वो भी, क्योंकि हुल्ला हूप का जो डांस होता है वो बहुत लोग करते हैं लेकिन जिस तरीके से हम लोग करते हैं ज्यादातर वो एक्सरसाइज जिम वाले फील करने हाँ, के लिए कमर हाँ, के लिए करते वो करते हैं, लेकिन हम लोग जो हिप हॉप होता है उसको हुल्ला हूप के साथ फ्यूज करते हैं, दोनों का फ्यूजन है हुल्ला हूप। तो इस तरीके से साथ में मिल के सोचते हैं, कभी कभी यूट्यूब देखते हैं उसमें से मतलब कि आइडिया लेते हैं कि और हम लोग कैसा और अलग कर सकते हैं, इस तरीके से मिल के हम लोग कोरियोग्राफी करते हैं। तो चारों ने सीधे तौर पर कहा है कि हुल्ला हूप जो एक नई कॉन्सेप्ट आप कह सकते हैं है, और किस तरीके से फ्यूजन और किस तरीके से इन्होंने अपने और भी कई चीजों को सोच रखा है, कंपटीशन और भी टफ होती जाएंगी लेकिन इनकी जो तैयारियां है वह और भी बेहतरीन हो रही है। हम उम्मीद करेंगे कि नेक्स्ट शो में यह और भी बेहतर परफॉर्मेंस दे और झारखंड का नाम रोशन करे, और हम उम्मीद करेंगे कि इस इंटरव्यू से जो हमारी ये सरकार है झारखंड की जो सरकार है यह ऐसे बच्चों को जरूर आगे आकर मदद करे ताकि यह अपनी प्रतिभा को जो है और भी बेहतर मंच पर दिखला सके। उम्मीद करते हैं कि यह इंटरव्यू आपको बहुत अच्छा लगा हो, खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि इनकी आवाज हर एक तक पहुंच सके। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया लाइव लगातार में जुड़ने के लिए। अगर आप लोग कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में तो अपने दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि जितना ज्यादा अगर आपका सपोर्ट होगा हम लोग उतना ही ज्यादा आगे जा सकते हैं, तो प्लीज हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, अपना प्यार करें। अगर आप सक्षम है हमें मतलब सपोर्ट करने के लिए तो आप जरूर करें ताकि हमारे जैसे प्रतिभाएं और भी मतलब हमारे सिटी को रांची झारखंड को आगे जाके, अभी तो इंडिया में रिप्रेजेंट किया है लेकिन हम लोग इंटरनेशनल भी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो प्लीज हमें जरूर सपोर्ट करें। और आप इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मिलने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।